गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे आपने 8th चैप्टर के सभी थ्योरम्स वगैरह और सारी चीज़ें समझी थी। अब हम चलते हैं 9th चैप्टर पर, एरिया ऑफ पैट्रक क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं आपके, उनको थ्योरम्स को कराते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहला जो थ्योरम है आपकी कि पैरेललोग्राम के डायगनल एक दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को। तो ये पैरेललोग्राम है आपके पास, वो कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो उसका कोई भी एक डायगनल ड्रॉ करते हैं, तो ये डायगनल इसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, आपको ये प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम की जो कंडीशंस होती है उनका यूज करना है और इसे प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूव सारी चीजें आप लिख लोगे, उसके बाद प्रूफ करा रहा हूं, क्योंकि बार बार वही चीजें लिखने से अच्छा है कि आपको एक बार समझाने के लिए अच्छी तरह से समझाया जाए आपको। गिवन टू प्रूव सारी चीजें लिख लेना, क्या गिवन है, क्या आपके पास प्रूफ गिवन है, आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, एंड प्रूव करना है आपको ए बी डी एंड बी सी डी ट्रायंगल को इक्वल एरिया में प्रूव करना है आपको। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में आपने बी डी डायगनल को ड्रॉ किया। प्रूफ पे चलते हैं। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव कर देते हैं तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगी, इक्वल एरिया में हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट शेप हमेशा इक्वल एरिया में होती है। क्लियर? अब अगर हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास कॉन्ग्रेंट के जो रूल थे उनमें से कंडीशन कंप्लीट करनी है। तो क्या क्या कंडीशन इसमें कंप्लीट हो सकती है वो चीज देखते हैं। ए बी इक्वल है डी सी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? इसी तरह से ए डी इक्वल है आपके पास बी सी के, ये भी रीजन सेम आपका अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड बी डी क्या हो गई वुमन, बी डी क्या हो गई कॉमन। अब तीनों साइड इक्वल आ गई तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल। ये चीज ध्यान रखनी है आप यहां पर, जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाओगे तो ए बी डी के कोरस्पोंडिंग आपको पॉइंट लिखने, तो ए के कोरस्पोंडिंग पॉइंट है आपके पास सी, और बी के कोरस्पोंडिंग पॉइंट है डी, और डी के कोरस्पोंडिंग पॉइंट है बी। तो सी डी बी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी रूल बाई आपका एस एस एस। क्लियर? तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। यही आपको प्रूव करना था फर्स्ट थ्योरम में। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम बेटा आपकी, नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल में अगर दो पैरेललोग्राम है तो उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होता है, इक्वल। यानी सेम बेस मतलब दोनों का बेस क्या है, ए बी है, जिस तरह से इस फिगर में है कि ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, ये दो पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम है ए बी, एंड दोनों सी एफ और ए बी के बीच में लाई करते हैं, दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में। सो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? तो गिवन टू प्रूव लिख लोगे, गिवन है कि ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ क्या है, दो पैरेललोग्राम है जो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल में है। प्रूव क्या करना है, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। क्लियर? तो उसके लिए आपको पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आपको इसका यूज करना है। क्लियर? तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम जो कॉन्ग्रेंट्स के जो क्राइटेरियाज है उनको पूरा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ए एफ और बी ई ये दोनों सेम पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड है। सो इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी चेक करनी है। सो सिमिलरिटी में क्या हो जाएगा, आपके पास ए एफ इक्वल हो जाएगा बी ई के, एंड ए डी इक्वल हो जाएगी आपके पास बी सी के। ये दोनों का रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम,
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम, इस रीजन से दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे डिनोट कर देता हूं एंगल वन, इसे डिनोट कर देता हूं एंगल टू। ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। जब दो साइडों का पेयर एक ही पॉइंट पर आपके मिल रहा हो तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ अपोज पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, क्लियर। इस वजह से ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दो साइड आ गए और उनके बीच का एंगल आ गया। सो ट्रायंगल एडीएफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब ये चीज ध्यान रखना, एडीएफ लिया है तो एडी के रिकॉर्डिंग क्या थी आपके पास, बीसी थी। तो क्या आएगा पॉइंट, बीसीई बाई एस ए एस रूल। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई एस ए एस रूल से, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया। अब दोनों ही तरफ ए बी ई डी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या कर दें, ऐड कर दें। एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ईडी बोथ साइड, दोनों तरफ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या कर दें, ऐड कर दें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीईडी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीईडी। अब देखते हैं हम इस क्वाड्रिलेटरल में ये ट्रायंगल ऐड होती है तो ए बी ई एफ बन जाता है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये ट्रायंगल ऐड होती है तो ए बी सी डी बन जाता है, क्लियर। तो यहां पर बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ, और यहां पर बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और यही प्रूव करना था, क्लियर, कि दोनों पैरलोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो ये बनती है आपके पास थ्योरम सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल की, क्लियर। इसका यूज आपको इस चैप्टर में करना है। ओके बाय, गुड डे स्टूडेंट्स।